So today I'm going to start with the topic ideology of political parties, ideology of different political parties. First of all, we will start with the oldest political party of our country and that is Indian National Congress. अब ये मैं न्यू बुक के अकॉर्डिंग आपको कराऊंगी. अगर आपके पास नहीं भी है न्यू बुक तो नो प्रॉब्लम, आप नोट डाउन कर सकते हो इसको, ठीक है. वेरियस चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इन द न्यू बुक्स, तो आपके पास जो बुक है उसमें हो सकता है ये चेंजेस ना हो, क्योंकि कई बार होता है पुरानी बुक भी होती है, तो नोट डाउन बिकॉज सो मेनी चेंजेस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इसके बारे में आप पहले तो बताओगे. INC भी कई बार पेपर में दे देते हैं, INC, तो ये तो आपको फुल फॉर्म तो आती है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना. इंडियन नेशनल कांग्रेस को ही हम इंडियन INC को हम इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं. इट इज द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड की ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, फॉर्म्ड बाय AO ह्यूम इन 1885. ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म बाय AO ह्यूम इन 1885. ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द वर्ल्ड फॉर्म्ड इन 1885 बाय AO ह्यूम एलेंटीना ऑक्टिवा ह्यूम. आपको पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं, आप वैसे ही करो. AO ह्यूम ने इस पार्टी को बनाया. इट इज द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द वर्ल्ड एंड फॉर्म्ड बाय AO ह्यूम इन 1885. ठीक है ध्रुव मेहता, क्या प्रॉब्लम है बच्चे? लेटर आई विल डिस्कस. फॉर्म बाय AO ह्यूम इन 1885, ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, नेक्स्ट. इट प्लेड डोमिनेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स. इट प्लेड डोमिनेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स फॉर मैनी ईयर्स, और आप ऐसे कह सकते हो फॉर सेवरल डिकेड्स आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस. इट प्लेड डोमिनेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स फॉर सेवरल डिकेड्स आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस. INC is popularly known as Indian National Congress. It is the oldest political party of the world. It is formed by AO Hume in 1885. फिर आपने बताना है, it played dominant role in Indian politics for several decades after India's independence under the leadership of Pandit Jawaharlal Nehru. It played dominant role in Indian politics after India's independence under the leadership of Pandit Jawaharlal Nehru. Under the leadership of Pandit Jawaharlal Nehru, this party built a modern secular democratic republic in India. Under the leadership of Pandit Nehru, this party built a modern secular democratic republic in India. Next, this party was ruling party till 1977. आप इमेजिन करो, 1947 में इंडिया फ्री हुआ तो 30 इयर्स तक ये रूलिंग पार्टी अकेली रही है. दिस पार्टी वॉज रूलिंग पार्टी टिल 1977 एंड देन फ्रॉम 1980 to 89 आफ्टर 89 इट्स सपोर्ट गॉट डिक्लाइन. लिसन अगेन, इंडियन नेशनल कांग्रेस is the oldest political party in the world, formed by AO Hume in 1885. This party played dominant role in Indian politics for several decades after India's independence. Under the leadership of Pandit Jawaharlal Nehru, this party built India modern secular democratic republic. This party ruled till 1977 and then 1977 तक अकेली ने रूल किया एंड देन फ्रॉम 1980 to 89
एंड आफ्टर 89 इट्स सपोर्ट गॉट डिक्लाइन, 89 के बाद इसकी सपोर्ट डिक्लाइन होनी शुरू हो गई. इट इज अ सेंटरिस्ट पार्टी, इट इज अ सेंटरिस्ट पार्टी, नीदर राइटियस्ट नॉर लेफ्टियस्ट. इट इज अ सेंटरिस्ट पार्टी, सेंटरिस्ट, इट इज अ सेंटरिस्ट पार्टी, ना तो ये राइटियस्ट है ना ही लेफ्टियस्ट है. इट इज अ सेंटरिस्ट पार्टी, नीदर राइटियस्ट नॉर लेफ्टियस्ट, ना तो राइटियस्ट है ना ही लेफ्टियस्ट है. नेक्स्ट, इन द लास्ट लोकसभा इलेक्शन, इन द लास्ट लोकसभा इलेक्शन दिस पार्टी गॉट 19.5% वोट्स एंड 52 सीट्स, क्योंकि 2019 के बाद इलेक्शंस नहीं हुए. ये लाइन आपकी बुक्स में नहीं हो सकती. इन द लास्ट लोकसभा इलेक्शन, लास्ट कौन से थे? 2019 वाले. अब कब आएंगे? 2024 में. इन द लास्ट लोकसभा इलेक्शन दिस पार्टी गोट 19.5% वोट्स एंड 52 सीट्स इन द लोकसभा. 52 सीट्स आउट ऑफ 543, देखो सिर्फ 52 सीट्स इन द लोकसभा. एंड दिस पार्टी बिकेम द लीडर ऑफ यूपीए, दिस पार्टी बिकेम द लीडर ऑफ यूपीए फ्रॉम 2004 टू 2019. यूपीए की लीडर कौन रही है? UPA, you have done United Progressive Alliance 2004 से लेके 2019 तक. Leader of UPA, Congress, Indian National Congress. This party remained the leader of UPA from 2004 to 2019. UPA की full form आपको आनी चाहिए. United Progressive Alliance and you have done this. करवाई हुई है मैंने, 3 alliances आपको करवाए थे. UPA एक आपने एनडीए किया था और एक लेफ्ट फ्रंट किया था. दिस इज अ सेंट्रिस्ट पार्टी, नॉट राइटियस्ट नॉर लेफ्टियस्ट. ठीक है, फिर आपने बताना है लीडर ऑफ यूपीए 2004 से 2019 इन द लास्ट लोकसभा इलेक्शन कितने वोट्स मिले? 19.5% वोट्स एंड 52 सीट्स इन द लोकसभा. आइडियोलॉजी, अब आप लिखोगे आइडियोलॉजी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. ये सारी इंट्रोडक्शन थी. एट प्रेजेंट इट्स लीडर और इसका सिंबल आपको आनी चाहिए. ये आप एक्स्ट्रा लिख के ऐसे डैश लिख के छोड़ दो, यू विल डू इट योरसेल्फ. इट्स लीडर इज डैश, इट्स सिंबल इज डैश. क्योंकि जब तक आपने पेपर करना है तो तब तक कुछ भी चेंजेस हो तो वो सिंबल तो चलो नहीं भी चेंज होएगा, बाकी आप डू इट योरसेल्फ. इट्स लीडर इज डैश, इट्स सिंबल इज डैश. नाउ डू द आइडियोलॉजी. आइडियोलॉजी में आप क्या क्या बताओगे? फर्स्ट पॉइंट आप यही बता सकते हो कि इट वर्क्स फॉर द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, इट वर्क्स फॉर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. नेक्स्ट, इट वर्क्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ये सिंपल से पॉइंट्स हैं आइडियोलॉजी के, 5 पॉइंट्स यू हैव टू नोट डाउन. इट वर्क्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट वर्क्स फॉर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, इट प्रमोट्स सेक्युलरिज्म, इट प्रमोट्स सेक्युलरिज्म and democracy. इकट्ठा कर सकते हो, इट प्रमोट सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी. इट इज अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, इट इज अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, इट इज अगेंस्ट इंपीरियलिज्म. इट वर्क्स फॉर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, इट वर्क्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट प्रमोट सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, इट इज अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, इट प्रमोट्स फेडरलिज्म. डिपेंड अपॉन योर विश हाउ टू राइट. 5 पॉइंट्स आप कोई भी लिख सकते हो आइडियोलॉजी के, बट मेन पॉइंट इट वर्क्स फॉर द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. नेक्स्ट आप लिखोगे आइडियोलॉजी ऑफ बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी. आइडियोलॉजी ऑफ बीजेपी, ideology of BJP. First of all again we will write introduction and then we will write ideology. भारतीय जनता पार्टी, अब इसमें आप बताओगे. It was founded in 1980 from भारतीय जन संघ, भारतीय जन संघ.
इट वॉज फॉर्मड इन 1980. कहां से बनी? भारतीय जनसंघ. 1980 भारतीय जनसंघ से बनी. इट वॉज फॉर्मड इन 1980 फ्रॉम भारतीय वो कहां 1885 ये 1980. इट वॉज फॉर्मड इन 1980 फ्रॉम भारतीय जनसंघ बाय भारतीय जनसंघ वॉज फॉर्मड बाय भारतीय जनसंघ किसने बनाया था? इट वॉज फॉर्मड इन 1980 फ्रॉम भारतीय जनसंघ. भारतीय जनसंघ वॉज फॉर्मड बाय भारतीय जनसंघ वॉज फॉर्मड बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी. श्यामा SYAMA श्यामा प्रसाद मुखर्जी. श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन 1951. भारतीय जनसंघ किसने हु फॉर्म्ड भारतीय जनसंघ? श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन 1951. वन मार्क क्वेश्चन. हु फॉर्म्ड भारतीय जनसंघ? नॉट गिवन इन ओल्ड बुक्स. ये नहीं दिया हुआ. लिसन अगेन. बीजेपी भारतीय जनता पार्टी फॉर्मड इन 1980. कहां से बनी? फ्रॉम भारतीय जनसंघ. भारतीय जनसंघ वॉज फॉर्म्ड बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी. कौन सी ईयर में बनाया भारतीय जनसंघ? इन 1951. नेक्स्ट. इट टेक्स इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशियंट कल्चर एंड वैल्यूज. इट टेक्स इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशियंट कल्चर एंड वैल्यूज एंड दीनदयाल उपाध्याय आइडियाज. लिसन अगेन. इट टेक्स इंस्पिरेशन फ्रॉम कहां से इंस्पिरेशन ली इस पार्टी ने? फ्रॉम एंशियंट कल्चर एंड वैल्यूज. फ्रॉम इंडियाज एंशियंट कल्चर एंड वैल्यूज एंड आइडियाज ऑफ दीनदयाल उपाध्याय. दीनदयाल उपाध्याय के आइडियाज कौन से आइडियाज? इंटेग्रल ह्यूमैनिज्म एंड अंतोध्याय. इंटेग्रल ह्यूमैनिज्म आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन एंड अंतोध्याय. कल्चरल नेशनलिज्म. लिसन अगेन. This party got inspirations from India's ancient culture and values and Deen Dayal Upadhyay's ideas of integral humanism and Antodaya कॉमा कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व HINDUTVA हिंदुत्व. हिंदुत्व इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टी. हिंदुत्व इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टी. नेक्स्ट. दिस पार्टी केम टू पावर इन 1998. दिस पार्टी केम टू पावर इन 1998 एज द लीडर ऑफ एनडीए. एनडीए की लीडर है ये. नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस. दिस पार्टी केम टू पावर इन 1998 एज द लीडर ऑफ एनडीए. एनडीए की लीडर है ये. कांग्रेस जैसे कि 1919 आप कह सकते हो. कांग्रेस जो है वो 2019 तक इसकी लीडर रही है यूपीए की. एट प्रेजेंट लीडर ऑफ एनडीए. कौन से ईयर में बनी एनडीए की लीडर? 1998. दिस पार्टी केम टू पावर एंड बिकेम द लीडर ऑफ एनडीए इन 1998 में एनडीए की लीडर बनी है ये पार्टी. नेक्स्ट. At present it is the ruling party and in the last Lok Sabha elections. At present it is the ruling party and in the last Lok Sabha election this party
In the last Lok Sabha election, this party got 303 seats. 303 seats. At present, it is the ruling party, and the last Lok Sabha election, harbor mein 2019 nahi bhi bolu to last Lok Sabha election wahi hai. This party got 303 seats in the Lok Sabha. Its leader and its symbol. This is your work. Ideology. Ideology is party ki jo ideology ka main first point bolungi, you will not write that point in other parties. Aapka wrong ho jana, ye jo first point hai, you have to write only in BJP, in the ideology of BJP. क्योंकि आप बाकी पार्टीज में लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा. फर्स्ट पॉइंट, इट वांट्स फुल टेरिटोरियल, या आइडियोलॉजी का फर्स्ट पॉइंट है, यू हैव टू राइट ओनली इन बीजेपी, नॉट इन अदर पार्टीज. इट वांट्स फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटेग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया. इट वांट्स फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटेग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया. जम्मू एंड कश्मीर विद India. Next, it believes in uniform civil code for all the people living in India. It believes in uniform civil code, means equality before law for all the people living in India. It believes in uniform civil code for all the people living in India. Next, third point. It wants to ban own religious conversions. It wants to ban own religious conversions. जो लोग अपना religion convert कर लेते हैं उस पर यह ban चाहती है कि वो नहीं होना चाहिए. It believes to ban the religious conversions, कि religion convert नहीं करने चाहिए. Rest of the points you can take from Congress. It works for the weaker sections of the society. It works for economic development. Jo aapne Congress mein likhe hai, you can take other points from the Congress, you can take, but Jammu and Kashmir wala point aap kisi aur mein nahi likhoge. It wants full territorial and political integration of India with Jammu and Kashmir. It believes in the civil code for the people living in India, equality before law. Wo to sari parties karti hoengi, theek hai. फिर आप ये भी कहते हो कि बैन, ये आप और पार्टी में नहीं लिखोगे बैन, वांट्स टू बैन द रिलीजियस कन्वर्जन, क्योंकि ये सिर्फ बीजेपी में ही है, ठीक है. बाकी पार्टीज में आप ये वाला पॉइंट नहीं लिखोगे. नो, इज इट क्लियर? बीजेपी के पॉइंट क्लियर है? तो अभी मैं और आगे नहीं करवाऊंगी.